गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर वी आर स्टार्टिंग द पोएम क्लास 9th, द रोड नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यहाँ पर ये पोएम जो कि जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है द रोड नॉट टेकन, मतलब जो सड़क पर कभी चला नहीं गया। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये प्रसिद्ध पोएम हमारी चॉइसेस, मतलब हमारी पसंद हमको बनाने के बारे में बताती है कि हम किस प्रकार की पसंद रखना चाहेंगे। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ऐसे ही हमारी पसंद जो कि हमें आकार देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि बड़े साधारण तौर पर लेकिन बड़े प्रभावात्मक ढंग से लिखते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, साधारण और सरल अनुभव को व्यक्त करते हैं। द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, किसी जंगल में जहाँ की पीली पत्तियाँ सूखी पड़ी हुई हैं वहाँ पर दो सड़कें विभाजित होती हैं। एक जगह पर जाकर के दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कभी कहता है कि मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैं दोनों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होते हुए भी मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर जाकर खड़ा रहा। एंड लुक डाउन एस वन एस फार एस आई कुड, और मैं एक सड़क को जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच पाती थी मैं वहाँ तक देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो सड़क आगे जा कर के घनी झाड़ियों में जाकर मुड़ जाती है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर कभी कहता है कि मैं दूसरी सड़क को पसंद करता हूँ, मैं उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उस रास्ते को सही मान करके मैं शायद ये सोचता हूँ कि इस पर जाना ज़्यादा बेहतर होगा, उस पर मैं अपना अधिकार जमाना चाहता हूँ। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो रास्ता घास से भरा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे कि प्रयोग में आकर के वो रास्ता कुछ घिस गया हो। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हेड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि देखने से ऐसा महसूस होता है कि लोग बाग उस रास्ते से गुजरे हैं और उनके आने जाने के कारण वो वास्तव में घिस करके इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों रास्ते उस सुबह बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हेड ट्रोडन बैक, और उस रास्ते में पाँव के द्वारा पत्तियाँ कुचली गई थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और कभी कहता है कि मैं पहला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दूंगा, बचा कर रखूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए भी कि आगे जाने पर वो रास्ता किस तरफ जाएगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और कभी को ये शक भी होता है अपने आप पर कि शायद वो उस रास्ते पर कभी वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, वो संदेह करता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, कभी आह भर करके कहता है कि मैं ये बात बड़े शर्म के साथ कहता हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हैं, कभी कहता है कि आगे भविष्य में कभी कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद या कुछ युगों बाद शायद कभी ऐसा मौका मिले। द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कभी कहता है कि जंगल में एक जगह पर जाकर के दो सड़क अलग अलग बटे हुए हैं और मैं एक पर चलने की कोशिश करता हूँ जो कि कम चली हुई सड़क है। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, कभी कहता है कि मैं वह सड़क
चूज़ करता हूँ, पसंद करता हूँ चलने के लिए, जिसमें कि कम चला गया है। और यही कारण है कि ये सारा अंतर, सारा भेद इसके कारण हुआ है। सो हियर वी हैड कंप्लीटेड आवर पोएम। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।